वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल। थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है दोस्तों। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें बताया जाएगा कि दुर्गा प्रश्नावली से आपको क्या आंसर मिलेगा, दुर्गा प्रश्नावली से दुर्गा माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, जो आपके लिए बहुत ही लकी है, बहुत ही भाग्यशाली है दोस्तों। क्योंकि दुर्गा माँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी महाशक्ति है जो सबका भला करती है और सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर हम भटक भी जाते हैं तो हमें मार्गदर्शन दिखाती है और आगे बढ़ने की हमें कोशिश भी कराती रहती है दुर्गा माँ। और ये दुर्गा प्रश्नावली ऐसा प्रश्नावली है दोस्तों जिसमें कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, सब सही और सही से भी ज़्यादा विश्वसनीय होती है। क्योंकि इसमें जो भी बातें लिखी रहती हैं उसमें एक भी बनावटीपन नहीं है, केवल सच्चाई सच्चाई है, वास्तविकता ही वास्तविकता है। तो आप ये रीडिंग बहुत ही माता जी का ध्यान करके, दुर्गा माँ का ध्यान करके आप सुनिए दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आने वाली है। देखते हैं कि दुर्गा प्रश्नावली से दुर्गा माँ आपके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। और जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए ढेर सारा प्यार। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। और जिन्होंने मुझे नया ज्वाइन किया है वो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हुए हैं, एक ट्री रखा हुआ है, एक फ्लावर वाला ट्री रखा हुआ है। इसमें से आपको जो भी पसंद आता है आप चुन लीजिए, फिर हम दुर्गा प्रश्नावली से रीडिंग शुरू करेंगे दोस्तों। हाय गाइस, जिन्होंने ये वाला ट्री चुना था, येलो और ग्रीन वाला, देखते हैं उनके रीडिंग में दुर्गा प्रश्नावली से और टैरो कार्ड से क्या रीडिंग निकल के आती है, कि आपको क्या करना है और माता जी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ रॉड्स। देखते हैं दुर्गा प्रश्नावली से आपके लिए क्या निकल कर आता है। ये कार्ड मैंने दुर्गा प्रश्नावली से लेकर स्वयं बनाया है दोस्तों। इस प्रश्नावली को कोई छू भी नहीं सकता है, कोई काट भी नहीं सकता है। इसमें जितनी बातें हैं सब सच होती हैं दोस्तों। तीन कार्ड लेंगे दुर्गा प्रश्नावली से। इसको बाद में देखेंगे क्या आया है इसमें। देखिए यहाँ पे कार्ड से तो ये पता चल रहा है कि आप इस समय बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही तकलीफ में हैं, बहुत ही चिंतित हैं दोस्तों। जिन्होंने ये ट्री चुना है, आप बहुत ही आप अपने अच्छे चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को लेकर बैठ गए हैं, सोच रहे हैं कि मेरा कब अच्छा करेंगे, कब ईश्वर अच्छा करेंगे, कब माता जी अच्छा करेंगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, आप एक ही बात को लेकर स्टक हो गए हो, परेशान हो गए हो, चिंतित हो गए हो, एक ही बात को लेकर पकड़ के बैठे हो। और उस बात को लेकर आपका कोई भी हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, लव लाइफ लेके हो सकता है, या फ्यूचर को ले सकता है, कोई भी आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। आप एक ही बात को लेकर पकड़ के बैठे हो और छोड़ नहीं रहे हो उसको। और देखिए यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये पे स्टार, यानी आपको डिवाइन का भी ब्लेस प्राप्त है, दुर्गा माँ का भी ब्लेस प्राप्त है, लेकिन आप केवल सोचते ही जा रहे हो, अपने सोच में ही डूब गए हो, बाकी चीज़ों की चिंता बिल्कुल आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये दिया जा रहा है, माँ कह रही है कि तुम इतना चिंतित क्यों हो, इतने तकलीफ में क्यों हो, एक ही बात में क्यों फंसे हो, एक अपने लिए रास्ता ढूंढो, अपने लिए सही मार्गदर्शन करो। देख रहे हैं जैसे, देखिए माता जी ये बोल रही है, जिस तरह ये झरने से पानी गिरता हुआ पानी है, उसी तरह आपका जो चिंता है वो भी गिर के हट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। फिर अब आपके मन में सुख समृद्धि शांति ही शांति और सक्सेस ही सक्सेस आएगा। इस समय आपका मन बहुत चंचल है, यहाँ पे माता जी बोल रही हैं।
यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप बहुत ही मेहनती और बहुत ही कठिन परिश्रम वाले पर्सन हैं, हार्ड वर्किंग पर्सन हैं आप, जो भी हैं मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और ये बताया जा रहा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसमें से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आप अपने जी जान से मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाता जितना आपको चाहिए। आप बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और साथ ही साथ आपको जो आप चाह रहे हैं जो वो नहीं मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी आप इच्छा कर रहे हैं कि मेरे को मिल जाए मेरे को मिल जाए, वो नहीं मिल पा रहा है आपको। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आप इस फाइल में ये बताया जा रहा है कि आप जो डिवाइन है आपके लिए, देखिए इतने अच्छे चीज रखे हुए हैं, दुर्गा माँ आपके लिए ऊपर रखी है, लेकिन आप उससे पीछे मुंह मोड़ के बैठे हैं, जैसे आप एक ही चीज को पकड़ के बैठ गए हैं। यहाँ पे आपके लिए माता जी यहाँ पे 8 चीजें रखी हुई हैं अच्छी अच्छी, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 कप गिरा हुआ है, 2 कप खड़ा हुआ है, यानी आप कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी चीज़ों की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप अपने फालतू के सोच में चिंता में डूबे हुए हैं कि मैं कैसे करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस स्थिति में हैं, आपके सामने जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको नहीं देख रहे हैं, जो खराब चीज़ें हैं उसको आप देख रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। माता जी बोल रही हैं कि ये चीज़ चिंता छोड़ो और जो तुम्हारे सामने जो अच्छी चीज़ें रखी हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें रखी हैं उसको देखो, उसको ग्रहण करो, फालतू में अपना समय नहीं वेस्ट करो खराब चीज़ों के पीछे, अच्छी चीज़ों को ढूंढो, अच्छे मार्ग ढूंढो, काम करने की कोशिश करो। मेहनती तो आप ही हैं लेकिन आप अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसके लिए आपको मेहनत का फल माता जी नहीं दे रही हैं। आप जो आपका मार्ग दिशा है वो गलत की तरफ जा रहा है। आप अपना जो सही दिशा चुनेंगे तो आपके जीवन में अबंडेंस आएगा, माता जी बोल रही हैं। इस कार्ड से ये पता चलता है कि माता जी कह रही हैं कि आप जो हैं बहुत ही बहादुर हैं, एक सैनिक की तरह बहादुर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में कार्य क्षमता इतनी है, कार्य कुशलता इतना अधिक है, आप मेहनती हैं, फिर आप क्यों इतना चिंतित रहते हैं, क्यों इतना परेशान रहते हैं कोई चीज़ों को लेकर। आपका मन चंचल है, उस मन चंचल को शांत रखिए। यहाँ पे ज्योतिष के हिसाब से दोस्तों किसी का ना चंद्रमा, आप अपने कुंडली को निकाल कर देखिएगा, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपके कुंडली में 110% आपका चंद्रमा वीक होगा या गलत घर में बैठा होगा, जिसके कारण आप बहुत ही फालतू का आप टेंशन लेके बैठे हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। माता जी बोल रही हैं आपके लिए मैंने इतना सामान भर के रखा है, देखो उधर तुम देख ही नहीं रहे हो, खाली चिंता करते जा रहे हो। चिंता से चतुराई घटती है दोस्तों, एक कहावत है। और आपको इतना कार्य करने की क्षमता, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने बहादुर हैं, इतने साहसी हैं, इतने कर्मठ हैं, फिर आपको किसी की चिंता है। सही मार्ग दिशा चुनिए, सही रास्ते पे चलिए, सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी। यहाँ पे ये दिया जा रहा है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, बी पॉजिटिव, यहाँ पे ये बताया गया है। और आपके जीवन में नई नौकरी, नया जॉब, नया फ्यूचर में हर एक चीज़ आपको अबंडेंस, सुख समृद्धि सब मिलने वाली है, आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करना है। आप इतने अच्छे और ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं तो आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं, इतना चिंता क्यों करते हैं, माता जी बोलती हैं चिंता को छोड़ो और आप मेहनत करते जाओ। और इस कार्ड को देख के लगता है कि आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ही सक्सेस रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप बहुत आगे जाएंगे, माता जी बोल रही है। देखते हैं दुर्गा प्रश्नावली से क्या निकल कर आता है। यहाँ पे दिया गया है कि मेल हो या फीमेल हो, दुश्मनों को हराने के लिए माँ काली की उपासना करें, दुश्मन कभी परेशान नहीं करेंगे। यहाँ अब मेरे को समझ में आता है दोस्तों कि आप इतना चिंतित क्यों हैं। मैंने बोला ना कि आप किसी एक चीज़ में अटके हुए हैं, या आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों, जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बाहर निकलूँ। यहाँ पे ये बोले हैं कि आप इसी चिंता में डूबे हुए हो,
तो आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं, आपके प्रतिस्पर्धी कोई है जो आपको परेशान कर रहा है, वो आर्थिक परेशानी भी हो सकती है, कोई भी दुश्मन हो सकते हैं, चाहे परिवार के लोग भी आपके दुश्मन बने हों, ऐसा हो सकता है। माता जी ये बोल रही है, तो यहाँ बोल रही हैं कि आप दुश्मनों को हराने के लिए माँ काली की पूजा करें, उपासना करें, नहीं तो मंगलवार के दिन जाके काली माँ को प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि मेरा सब अच्छा हो जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, दुश्मन कोई इंसान भी होता है और चिंता भी दुश्मन होता है। मैंने बोला ना, चिंता से चतुराई घटती है, चिंता भी इंसान का दुश्मन होता है, सबसे बड़ा दुश्मन तो चिंता ही होती है इंसान की। चिंता छोड़िए और अपने माँ की उपासना करिए, आप परेशान, कोई भी आपको, चिंता भी आपको परेशान नहीं करेगी, कोई व्यक्ति भी दुश्मन है तो वो भी नहीं परेशान करेगा, माँ स्वयं बोल रही है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दुर्गा माता का बातें हो रही हैं और काली माँ का भी इसमें आया, तो आप ये मानिए और करके देखिए, फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे दिया गया कि आप शनि देव की आराधना करें, व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़े तो घबराएं नहीं, लाभ होगा। यहाँ पे ये दिया जा रहा है, ये किसी किसी को रेजोनेट होगा दोस्तों। यहाँ पे दिया गया, अगर मान लो आपको किसी की शनि की ढैया चल रही है, शनि की तकलीफ चल रही है, या तो अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो आप शनिदेव की आराधना करें। आप अगर हो सकता है आपके जीवन में कोई व्यापारिक यात्रा हो या व्यापार आपको नया शुरू करना पड़े तो आप करिए, बहुत अच्छी तरह करिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे दुर्गा प्रश्नावली से ये निकल के आया, इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, चिंता आ रही है, तकलीफ आ रहा है, दुश्मन बहुत अधिक है, आप कर्मठ होकर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो एक काम करें कि किसी भी गरीब को या अगर कोई मजबूर है या कोई मजबूरी है उसकी, तो उसको थोड़ा आप सहायता करें, गरीब लोगों की सहायता करें, हेल्प करें, तो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर होगी और आपको शांति भी मिलेगी। मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कार्ड, एकदम सही कार्ड, देखिए प्रेडिक्शन कितना अच्छा सही आया दोस्तों। यहाँ पे मैंने बोला ना कि आपका मन चंचल है, आप परेशान हैं, चिंतित हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो आर्थिक परेशानी, चाहे वो दुश्मन, चिंता भी दुश्मन होता है, मतलब आप चिंतित हैं। मैंने बोला ना, इस कार्ड में वही निकल के आया कि आपको शांति मिलेगी, आपको शांति की बहुत, मतलब धैर्य की, शांति की बहुत ज़रूरत है। तो आप किसी मजबूर व्यक्ति का या गरीब व्यक्ति का आप किसी भी रूप में मदद करें, खाने के रूप में, पैसे के रूप में, कपड़े के रूप में, जैसे भी मदद करेंगे आपकी सारी तकलीफ दूर होगी। यहाँ पे दुर्गा प्रश्नावली से निकल के आया दोस्तों, ये करके देखिए और लाभ उठाइए, ये 151% सही होगा, करके देखिए। अगर ये फाइल आपको रेजोनेट करता है, अच्छा लगता है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। गाइस, जिन्होंने ये फ्लावर चुना था, फ्लावर वाला ट्री चुना था, देखते हैं उनके में क्या निकल कर आता है, दुर्गा प्रश्नावली से उनको क्या माता जी संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। क्वीन ऑफ रॉड्स, किंग ऑफ रॉड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, देखते हैं दुर्गा प्रश्नावली से क्या निकल के आता है आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये कार्ड अपने आप निकल के आया, इसको मैं रखती हूँ, बाद में खुल के देखेंगे क्या है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आए दोस्तों, आपके रीडिंग में बहुत ही अच्छे कार्ड निकल के आए। देखिए माता जी बोलती हैं कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, आप में वो सब चीज़ें हैं जो एक अच्छे इंसान में होने चाहिए, यानी आप बहुत कर्मठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आप हर जगह से काम करने वाले हैं, सब मतलब परिवार की देखभाल करने वाले हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, आवश्यकता के पूरा करने वाले हैं, यानी आप एक रानी के स्थिति में हैं। यहाँ पे राजा भी, जेंट्स लोग राजा और लेडीज लोग रानी के रूप में देख सकते हैं अपने को, कि एक राजा क्या करता है, पूरे प्रजा की देखभाल करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक उसी प्रकार माता जी बोलती हैं
कि आप एक रानी और राजा की तरह हैं, जो सबके आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, अंकुश रखते हैं, साथ साथ सब आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और आपकी लाइफ जो है, माता जी बोल रही हैं, राजा रानी किसको बोलते हैं, जिसके पास बहुत ही धन दौलत होता है, तो आप एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है, यहाँ पे ये पता चलता है कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, और साथ ही साथ आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वो सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, आप कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप माता जी बोल रही हैं, आप में आलसीपन नहीं है, कोई भी काम फटाफट करते हैं। यहाँ पे ये पता चलता है, आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है, आप जो भी सोचेंगे वो कर डालेंगे, यानी कोई भी काम आपके हाथ में हो सकती है, दिमाग में आप इतने इंटेलिजेंट है कि अपने सोच समझ से जो भी कार्य रहेगा उसमें सक्सेस रहेंगे और सफल रहेंगे, और आपको विक्ट्री विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, माता जी बोल रही है आप बहुत ही सक्सेस इंसान बनने वाले हो, और अपने मेहनत से सक्सेस बनोगे, किसी के देने लेने से आप सक्सेस नहीं बनोगे। यहाँ पे ये पता चल रहा है, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इस कार्ड को लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको देखिए ना, यहाँ पे डिवाइन का भी ब्लेस प्राप्त है, आपको ईश्वर के द्वारा, माता जी के द्वारा भी ब्लेस प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल एनिमल्स का भी आपको ब्लेस प्राप्त है दोस्तों, यहाँ पे दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए माता जी के जो भैरव बाबा के होते हैं ना, वो लोग इसमें निकल कर आए हैं, देखिए, यानी आपको माता जी का स्वयं आशीर्वाद प्राप्त है दोस्तों। आप चिंता मत करिए और ज़्यादा सोचिए समझिए मत, जीवन में कार्य करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपको मिलती ही रहेगी। देख रहे हैं यहाँ पे दो एनिमल्स बने हुए हैं, और हर अगर आपको कोई कष्ट भी आता है तो दुर्गा माँ भैरव बाबा आपकी रक्षा करेंगे, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। हर रूप में माता जी आके आपकी रक्षा करेंगी, और आपको गॉड का ब्लेस प्राप्त है, दुर्गा माँ का ब्लेस प्राप्त है, साथ ही साथ आप हर परिस्थितियों में, हर विषम परिस्थितियों से निकल जाएंगे, आप में वो शक्ति है, और सक्सेस ही और सफल रहेंगे। और आपका जीवन कुछ तो कहना ही नहीं दोस्तों, इतना अच्छा है, इतना सक्सेस भरा रहेगा, इतना सुख समृद्धि, इतना अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, अच्छा गाड़ी बंगला, और साथ ही साथ आपस में पूरे फैमिली में बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह रहेगा दोस्तों। लोग देख के बोलेंगे वाह क्या ये परिवार है, इतना अच्छा आपका परिवार रहेगा, माता जी बोल रही हैं। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी दोस्तों, चाहे वो भौतिक सुख हो, चाहे वो सामाजिक सुख हो, रेपुटेशन भी आपका रहेगा, इज्जत भी रहेगा, मान सम्मान भी रहेगा, पैसा भी रहेगा, इज्जत भी रहेगा, धन दौलत भी रहेगा, यहाँ पे माता जी बोल रही हैं। देखते हैं प्रश्नावली से क्या कार्ड निकल के आए हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जो बोला वही कार्ड निकल के आया है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो जारी रखें, आगे चलकर आपको बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है। मैंने बोला ना, आप कार्य इसी तरह करते हैं, हर कार्य में, आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा, सफलता ही मिलेगी, विक्ट्री ही मिलेगी। और उसमें भी, इसमें कार्ड में भी यही आया है, थोड़ा कुछ और अच्छा करने के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है कि माँ बोल रही हैं कि आप विष्णु भगवान की पूजा करें, तो आपका और जितनी भी थोड़ी बहुत जो भी आपको विषम परिस्थितियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे माता जी ये बोल रही हैं, यहाँ पे दिया गया आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, शीघ्र ही सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र होने का योग है, इसके अतिरिक्त आप जितनी भी मनोकामनाएं करेंगे वो भी पूर्ण हो जाएंगे। इस कार्ड से देख के मैंने बोला ना, आपका भी परिवार बहुत अच्छा होगा, बहुत ही हो सकता है ये किसी किसी के लिए रेजोनेट होगा दोस्तों, कि यहाँ पे देख रहे हैं बच्चा भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है कि पुत्र होने का योग है, हो सकता है किसी किसी को संतान की प्राप्ति हो, संतान में लड़की लड़का दोनों आ जाता है दोस्तों, दोनों का योग है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है, यानी आपको संतान उत्पत्ति का भी योग माता जी बोल रही हैं, और जो भी बच्चा होगा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वस्थ होने वाला है। और आपकी जितनी, मैंने बोला ना, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो सब सफल होने वाली है, पूर्ण होने वाली है।
इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये। ये दुर्ग्रह पर्सनालिटी से लिया गया है, इसमें एक एक बातें जो है होती हैं एकदम सटीक और सही होती हैं। इसको अपनाइए और लाभ उठाइए दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो भी विषम परिस्थितियाँ हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे विषम परिस्थितियों में आप आगे चले जाएंगे, हरा देंगी माता जी आपको, विषम परिस्थितियाँ काट देंगी, उसको हटा देंगी। सेम वही कार्ड इसमें भी आया दोस्तों कि आपके कष्टों का निवारण होगा, आपकी विषम परिस्थितियाँ दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छा कार्ड निकल के आया दोस्तों। मैंने जो उसमें बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मैंने जो इस कार्ड से बताया सेम वही माता जी भी आपको बोल रही हैं कि आप विषम परिस्थितियाँ आपकी दूर हो जाएंगी, निवारण हो जाएगा कष्टों का और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं तो आपके लिए और भी अच्छा होगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही सक्सेस और सफलता भरा रहेगा। और इस कार्ड में भी आया दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है सत्यनारायण भगवान और विष्णु भगवान एक ही होते हैं दोस्तों। एक कार्ड दो दो बार निकल के आया तो आप मेरी एक बात मानिए, आप विष्णु भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए, आप बहुत ही सक्सेस रहेंगे, आगे बहुत ही सफल रहेंगे, ये मेरा कहना है। माता जी तो बोल ही रही है, मेरा भी कहना है कि आप विष्णु भगवान की पूजा शुरू कर दीजिए, देखिए आप कितनी जल्दी सक्सेस और सफल रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने में। और वैसे भी तो आपके जीवन में सब, इस कार्ड से तो ये पता चलता है कि सब सुख समृद्धि धन दौलत किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। एक तरह से आप कहा जा सकता है बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं आप, मेल हैं या फीमेल हैं जो भी हैं, आप इसी तरह भविष्य में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको सच्चा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।